क्वेश्चन को देखो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ओपन आर्गन पाइप थर्ड हार्मोनिक, ये भी क्लोज आर्गन पाइप और ओपन आर्गन पाइप का क्वेश्चन है। अगर आपके इसके बेसिक क्लियर नहीं है तो इस क्वेश्चन को आपको आर्गन पाइप आपको जरूर पढ़ना चाहिए बेसिकली। तो इस वाले क्वेश्चन को देखो कि यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन आर्गन पाइप, आप पढ़े होगे ओपन आर्गन पाइप इस टाइप से कुछ, ये दोनों साइड ओपन होता है और एक होता है आर्गन पाइप, एक साइड ओपन रहेगा एक साइड क्लोज रहेगा, ये बात हम सबको पहले से पता है, क्लियर है। अब ये कहता है थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज आर्गन पाइप, क्लोज आर्गन पाइप में जो हार्मोनिक होते हैं वो ओड्स में होते हैं, ठीक है, जो इवन होते हैं वो मिसिंग होते हैं। तो इसकी जो जनरल फ्रीक्वेंसी होती है वो एन बी अपान फोर एल के इक्वल होता है, जो मैं लिख सकता हूँ कि एन इज इक्वल टू वन थ्री फाइव, इस टाइप से इंटीजर में होते हैं ओड। और इसकी जो जनरल फ्रीक्वेंसी होती है वो भी एन बी अपान टू एल के इक्वल होता है, जो एन एक नॉर्मल इंटीजर है जो कि वन टू थ्री इसके आसपास इस टाइप से वेरी करेगा, बराबर है। चलो जो कंडीशन कर रहा है उसको हम अप्लाई कर देते हैं। कहता है ओपन आर्गन पाइप थर्ड हार्मोनिक फंडामेंटल मोड, ये जो क्लोज वाला है ध्यान देना, ये जो क्लोज वाला है ये इसका थर्ड हार्मोनिक है और ये फंडामेंटल, फंडामेंटल मोड में कैसे वाइब्रेट करेगा, यहाँ पे एक नोड बनेगा और यहाँ तो ऑलवेज एंटी नोड ही बनेगा और यहाँ भी एंटी नोड बनेगा, बराबर है। तो एंटी नोड कुछ ऐसा दिखेगा, ये पाइप मुझे कुछ ऐसी दिखाई देगी, यहाँ पे ऑलवेज नोड बनता है, यहाँ पे ऑलवेज एंटी नोड बनेगा और ये रहा इसका फर्स्ट, ये एक्चुअली इस टाइप से जो आएगा ये एक्चुअली फर्स्ट हार्मोनिक है। अब सेकेंड हार्मोनिक नहीं होता है, इसमें क्या आ जाएगा, थर्ड हार्मोनिक आ जाएगा। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है, हार्मोनिक इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसमें मैं सेकेंड हार्मोनिक नहीं होता है, सीधे थर्ड हार्मोनिक आ जाएगा। थर्ड हार्मोनिक में यहाँ एक नोड बनेगा, यहाँ एक और नोड बनेगा और यहाँ एक एंटी नोड बनेगा, तो ये पाइप मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, बराबर है। तो ये नोड आ गया और ये एंटी नोड आ गया और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा वाई फोर होता है, लैम्डा वाई टू, ये लैम्डा वाई टू आ जाएगा और एक नोड एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा वाई फोर। आपको कोई फार्मूला नहीं याद करना यार, वी डोंट नो मग अप द एनी फार्मूला, अगर आप ये वाली चीज जानते हो तो। अब बेसिकली तुम देखो अच्छे से देखोगे तो इसकी जो लेंथ है वो L1 है और इसकी जो लेंथ है वो L2 है, इसमें से एक लेंथ आपको दिया हुआ है, कौन सा लेंथ दिया हुआ, लेंथ ऑफ द क्लोज L2 दिया हुआ है। तो अगर L2 दिया हुआ है ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ L2 की वैल्यू, लैम्डा बाई टू और प्लस लैम्डा बाई फोर इज इक्वल टू L2, मतलब जो L2 आ जाएगा वो आ जाएगा 3 लैम्डा बाई फोर। इसको ऐसे हम रहने देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर है। चलो ये है थर्ड हार्मोनिक और ये फंडामेंटल, ये फर्स्ट, इसमें ये नोड बन गया और ये एंटी नोड, तो ये लैम्डा बाई फोर और ये लैम्डा बाई फोर, तो लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर इज इक्वल टू एल वन, मतलब लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू एल वन, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू टू टाइम्स एल वन। यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल गई वेव लेंथ। अब ये लैम्डा अगर मैं ले जाके यहाँ रख दूंगा तो जो मुझे L2 दिखेगा वो दिखेगा 3 बाई फोर और मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा टू L1, तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स कट जाएगा। अब हमें L1 चाहिए तो L1 टू L2 अपॉन 3, तो 2 और L2 की वैल्यू 20 अपॉन 3, मतलब 40 बाई 3, 40 बाई 3 मतलब आ जाएगा 3 मीटर, ये मतलब हम लोग का ए ऑप्शन सही है, क्लियर है। तो इस तरह से आप करते हैं। नेक्स्ट